हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं अपने बाइक का चेन स्प्रॉकेट चेंज करने वाला हूँ। सो मेरी बाइक है हॉर्नेट 160 और इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज करते वक्त जो जो प्रोसेस लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ आज मैं मेरा वोल्टा ग्रिप जो है उसको टेस्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरी गोप्रो की जो बैटरी है 86% पे है और वो भी चार्ज हो रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सो इसकी बैटरी लाइफ भी चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल वोल्टा की बैटरी फुल है। सो लेट्स चेक वोल्टा ऑल्सो एंड डू सम वर्क। और आज जो स्पैनर लगने वाले हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो 24-70 रिंग स्पैनर, 18-19 रिंग स्पैनर और 12-13 और 14-15 का जो पट्टी पाना है वो लगने वाला है। साथ में स्क्रू ड्राइवर, पकड़, 8 नंबर का ये जो टी स्पैनर है, 10 नंबर का टी स्पैनर और ये 16 नंबर का ब्रेक स्पैनर। कई इतने स्पैनर अपने को लगने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज माय बाइक होंडा हॉर्नेट 160R 2016 का मॉडल है। काफ़ी पुराना मॉडल है बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन वेरी ग्रेट। इसका चेन स्प्रॉकेट का सेटिंग पूरा पीछे आ गया। एज यू कैन सी चेन स्प्रॉकेट का सेटिंग पूरा पीछे आ गया और चेन काफ़ी लूज है। गिरने का चांसेस है इसलिए मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। अभी फटाफट आपको दिखाता हूँ मैं प्रोसेस कैसे चेंज करना है। देखो, सबसे पहले ये वाला नट अपने को खोलना है, बोल्ट। ये जो है 24 का है। सबसे पहले इसको लूज़ करेंगे, फिर ब्रेक रॉड पूरा खींच के इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ये वाला जो है पूरा नट जो है बाहर निकालेंगे। ओके, फिर ये निकालने के बाद अपने को ये जो है चेन का स्प्रॉकेट जो व्हील है वो उसको चेंज करना है, ये वाला। और अंदर के साइड में एक छोटा होता है ऊपर इंजन को जो कनेक्टेड होता है वो। दोस्तों, टायर चेंज करने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि ये बेरिंग हो गया। इसमें बेरिंग में उंगली डालना है और जस्ट ऐसे चेक करना है ऊपर नीचे करके, कोई इसमें गैप तो नहीं आया है। ये साइड में भी बेरिंग होती है, इसको भी चेक करना है ऐसे, समझ रहे हो। तो अभी फ़िलहाल दोनों भी अच्छे हैं। उसके बाद देखो, इसके लिए हमको एक 12 का बॉक्स पैनल लगेगा। ये चारों ऐसे नहीं खुलते, इसको वापस टायर में डाल के इसमें रख के फिर खोलना पड़ता है। आपको दिखाऊंगा मैं। और इसमें भी एक बेरिंग होती है, इसको भी चेक करना है। फ़िलहाल ये भी ठीक है। 8 के स्पैनर से ये दो नट खोलने हैं अपने को। ये जो आगे का छोटा व्हील होता है वो खोलना है। फ़िलहाल मेरा एक ही नट है, ये देखो ये वाला व्हील खोलना है। इसको 10 का स्पैनर लगता है, ये वाला लिंक खोलना है, फिर चेन बाहर आ जाएगी अपनी। देखो दोस्तों, इसको 17 नंबर का बॉक्स पैनर लगता है, ये 17 है और एक एक्सटेंशन रॉड है। इसको ऐसे ही खोलना पड़ता है टायर में लगा के। ओके, इसको हम फटाफट खोल लेते और फिर इसको रिप्लेस कर देते इसको, इस व्हील को। ओके,
ओके सो चारों बोल्ट नट मैंने खोल दिए और ये हम रिप्लेस करने वाले। और ये यहाँ पे जो बोल्ट लगे होते वो काफ़ी टॉर्क लगाकर टाइट किए जाते ताकि चलते गाड़ी में कुछ नुकसान ना हो। अभी सेम प्रोसेस है, वो चारों नट हम यहाँ पे फिट कर देंगे, चारों वन बाय वन टॉर्क देना है इसको। नाम वाला आगे रहेगा और ये वाली जो लॉक पट्टी है होल मैच करके टाइट करना। नट्स एंड बोल्ट्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, इसको बोल्ट बोलते हैं और इसके ऊपर जो छोटा लगता है उसको नट बोलते हैं। हॉर्नेट का पीछे का टायर बिठाते वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं क्योंकि एक तो इसका टायर बड़ा है और ये काफ़ी हीवी भी, दैट्स वाई इसको मैच करना, होल मैच करना, ये बोल्ट डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। सो अगर आपको कोई हेल्प करने वाला होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर हेल्प करने वाला नहीं थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है, पेशेंस रखना है। ओके जिम जाने का थोड़ा तो फ़ायदा हो गया, नहीं तो पहले मुझे बहुत टाइम लगने गया इसको उठाने के लिए। ओके सो टायर मैंने लगा दिया, इसको सेटिंग को पूरा आगे करना है, ये मैंने कर दिया। अभी जस्ट चेन लगाना है और चेन सेटिंग करना है। चेन सेटिंग करते वक्त ध्यान रखे कि यहाँ पे जितना आगे गैप हो यहाँ पे उतना ही सेम ये साइड में भी, ताकि व्हील अलाइनमेंट करते वक्त गलती ना हो, आगे पीछे ना हो। एक मैटर हो गया दोस्तों, डीलर ने अपने को गलत चेन स्प्रॉकेट दिया है। इसमें ऐसे लॉक वाला सिस्टम नहीं है, एक कंप्लीट चेन है जिसके लिए ये बिठाने के लिए अपने को जो पूरा पीछे का मांडी है जिसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं, बट वो निकालना पड़ेगा टायर के साथ साथ। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक का काम है, बट अपन क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे। ये देखो ये ना, मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा। कैसे करना है, ग्राइंडर लेना है, ये दोनों को ग्राइंड करना है, ये जो है ना लॉक, तो अपने पास ये जो पुराना वाला है यही हम यूज़ करेंगे। अभी इसको ग्राइंड करेंगे दोनों को और फिर इसको ठोक के नीचे से ये निकाल डालेंगे। ओके दोनों चेन को हम अलग करेंगे, फिर ये वाला लगा के ये ऊपर से लगा के लॉक लगा देंगे जैसे पहले था। ओके इसके लिए अपने को एक ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। देखो दोस्तों पूरी तरह से ग्राइंड कर दिया मैंने इसको, अभी ये रेडी है निकलने के लिए। देखो दोस्तों अगर आपके पास कुछ छोटी चीज़ नहीं है इसको मारने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको ठोक सकते हो। ये जो देख रहे हो आप, ये गैप जो है, ये गैप में से आपको ठोकना है, तो ऐसे आपका ये ऊपर वाला प्लेट बाहर आते जाएगा। देखो ये सेकेंड वाला भी आ रहा है, अभी बाहर दिख रहा, ठीक है, तो फिर ये ईजी रहता है। ये देखो ये निकल गया, ये रहा अपना एक ओरिजिनल, इसको हमने ट्रिम किया था। अभी इसके जगह इसको रिप्लेस करने के लिए मैं अपना पुराना वाला ही यूज़ करूँगा। कहाँ गया पुराना, ये देखो ये वाला, ताकि इसमें एक साथ छेद होता है जिसमें कि ये वाला लॉक बढ़ जाता है उसमें, ये वाला।
ठीक है, अभी फटाफट चढ़ा देते हैं, बहुत टाइम हो गया। गाइस फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये फाइनली लग चुका है, ये देख सकते हो। अभी सिर्फ चेन टाइट करना है और फिर अपना काम हो गया। चलो पूरा चेंज प्रॉकेट चेंज कर दे। अभी ये सब जो मटेरियल मैंने कचरा बाहर फैला है इसको पहले अंदर डाल दे। ओके फ्रेंड्स, सो अभी रिकॉर्डिंग सब हो गई। अब देखते हैं GoPro वोल्टा का जो बैटरी है वो कितना है परसेंटेज। एज यू कैन सी इट इज़ ऑन रेड, सो अभी चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। बैटरी इसकी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था इतना जल्दी है डेड हो जाएगा ऑलमोस्ट। लाइक वी रिकॉर्डेड फॉर मिनिमम 2 आवर्स, मुझे लगा ये कम से कम 4 to 5 आवर्स जाएगा, इतना मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो अब इसकी परसेंटेज आप देख सकते हो कितनी है, 75 हो चुकी है। 80 से हमने स्टार्ट किया था, 90 तक हो गई थी। अभी फ़िलहाल वो इसकी बैटरी डेड हो गई थी करके यूज़ कर लिया अपना ये वाला, सो 75 हो गया। मैंने देखा था 90% हो गया था। ओके, सो इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिला मुझे वोल्टा से, वोल्टा को चार्ज करना पड़ेगा। 5 या फिर 5 कांडियाँ है, 5 कांडी में से एक भी कांडी बची नहीं, पूरा डेड हो गया। इतना जल्दी ये डेड नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं।